देखिए जैसा आप बता रहे हो इतने दिन बाद आया, हम सबको पता है कि जो है 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन शुरू हुआ, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है उस लॉकडाउन का मैं पूरी ईमानदारी से पालन करूँगा, उसका पालन किया। और आज जब पहली फ्लाइट जो है बागडोगरा के लिए चली, पहले दिन पहले फ्लाइट में बैठ करके मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ। एक बात मैं और भी आपको ये कहना चाहता हूँ, ये समय ऐसा नहीं था कि हम क्षेत्र में घूमें, कैंपेनिंग करें, या लोगों से गले मिले, या लोगों से हाथ मिलाएं। ये कठिन समय था जिसको हमने अपने घर में रहते हुए, अपने कार्यालय में रहते हुए, अपने जो भी स्थान है वहाँ रहते हुए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, ये वो क्षण था। और उसको मैंने पूरी ईमानदारी से पिछले 2 महीने से मैं और मेरा कार्यालय, हम दिन में भी अलर्ट रहे, रात भर भी अलर्ट रहे, और जितनी सेवा हो सकती है हमने हमारी जनता की और देश भर के अनेक लोगों की। और आज पहली बार इस लॉकडाउन के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ का प्रशासन का, पुलिस के लोग जो दिन रात लगे हुए हैं, हमारे जो मीडिया के साथी है, इतना जोखिम उठाते हुए भी सच्चाई को दिखाने के लिए जो कठोरता से आप लगे रहे, आप भी बधाई के पात्र हैं। हमारे जो हेल्थ के वॉरियर हैं, हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, बहुत सारे जो एनजीओ, क्लब, संस्थाएं जो दिन रात एक करके लोगों की, गरीब लोगों की सेवा में लगी रही है, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और ये देखिए कठिन समय है, कोरोना से लड़ते हुए देश को 2 महीने हो गए, और अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन कोरोना आज ख़त्म नहीं हो रहा है। कोरोना हमारे जीवन में काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है जब तक इसका कोई इलाज न ढूंढा जाए। तब तक के लिए हम लोगों को डराए भी नहीं। देखिए आज मैं दिल्ली से फ्लाइट पकड़ करके आया हूँ, अभी टेम्परेचर नापा 97 था, इसका मतलब मैं सेफ हूँ। तो डरने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता है। जो छोटी छोटी बातें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, हाथ बार बार धोते रहें, और अनावश्यक जो है हम घर से बाहर ना निकले। मुझे लगता है ये 3-4 बातें सबको पता है, अगर उतना फॉलो करेंगे तो हम कोरोना को जरूर हराएंगे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का रोल को लेकर क्या कहेंगे, जैसे एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ साइक्लोन है, देखिए, और वर्कर भी है, जो माइग्रेंट वर्कर भी है। देखिए मैं चाहता नहीं था इसका जवाब आज ही दूँ, नहीं तो लोग सब जो है हमारे दोस्तों को लगेगा जो है बागडोगरा उतरते ही राजू जी शुरू हो गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर मोर्चे पे टीएमसी ममता दीदी फेल है, हर मोर्चे पे। पहला, कोविड-19 को जिस तरह से पूरा देश आज लड़ रहा है, इसका जो गहराई को जो है मापने में पश्चिम बंगाल की सरकार नाकाम रही, और सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो है पश्चिम बंगाल की है। और पश्चिम बंगाल डे वन से जो है ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे त्यौहार मनाया जा रहा हो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई लॉकडाउन का पालन नहीं, लोग खुलेआम जो है बाजारों में घूम रहे थे। तो कोरोना को रोकने में पूरी तरह फेल हुई। देखिए हम नॉर्थ ईस्ट से लगता हुआ इलाका है हमारा, पूरा नॉर्थ ईस्ट सेफ है, और हम भी काफ़ी हद तक सेफ रह सकते थे, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण हमारे को जो है आज ये दिन देखना पड़ा है। दूसरी बात, जो माइग्रेंट हमारे लेबर श्रमिक, हमारे विद्यार्थी जो इलाज कराने के लिए लोग बाहर गए, उनको लाने में किसी भी तरह का कोई प्रावधान जो है बंगाल की सरकार ने नहीं किया। बार बार केंद्र से डंडा पड़ा, तब जाकर के कुछ ट्रेनें अभी आ रही हैं। अब ये फ्लाइट भी आप देखो सब जगह देश भर में 25 तारीख से चालू हुआ नागरिक की सुविधा के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल ने उसे भी मना कर दिया, तो यहाँ भी फैले। तीसरी बात, जो अल्फान जो तूफान आया, हम सबको पता है, टेलीविजन में हम सब ने भी देखा, आपने भी और हमने भी, कि तूफान पश्चिम बंगाल उड़ीसा में आ रही है। उड़ीसा ने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में समय रहते इसके लिए जो बचाव के उपाय हो सकते थे वो नहीं किए। और आज मुझे ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय सेना की आर्मी 350 जो है जवान आज कलकत्ता महानगर इलाके में जो है पेड़ काटने के काम में लगे हुए हैं।
आप अंदाजा लगा सकते हैं, आर्मी होनी चाहिए दुर्गम स्थान के लिए जहाँ यातायात की सुविधा न हो, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का कलकत्ता और कलकत्ता जैसे महानगर में अगर आर्मी को डिप्लॉय करना पड़े, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की सरकार जो है किस तरह से जो है चरमराई हुई है। इतना ही नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी को ममता दीदी ने जैसे ही कहा 24 घंटे के अंदर में वो खुद आए, उन्होंने इलाके का भ्रमण किया और तुरंत जो है 1000 करोड़ का जो है योगदान एडवांस के रूप में आने वाले समय में भी मिलेगा और एडवांस के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को दिया। मुझे लगता है मोदी जी ने अपना ये बड़ा दिल दिखाया है। दादा क्या चाहेंगे आप लोग, ममता जी ओवरऑल क्या कहेंगे? देखिए एक बात तो ये स्पष्ट हो गई, कल ममता दीदी ने, हम सब ने ट्वीट देखा, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ट्वीट किया, होम मिनिस्टर को उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि पश्चिम बंगाल हमसे जो है नहीं संभल रहा है, आप आइए आप इंटरफेयर करिए और संभालिए। तो ये बात स्पष्ट है कि ममता दीदी ये समझ गई है कि ना कोविड को रोकने में कामयाब रही, नहीं इस तूफान को रोकने में कामयाब हुई, इस वजह से उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन ये सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी संविधान को मानती है, इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। इस सरकार को हमारी तरफ से पूरी 5 साल की छूट रहेगी, वो अपने सरकार संभाले। लेकिन इतना तय है 2021 में टीएमसी का जाना पूरी तरह तय है। दादा आपके दादा बीजेपी के 2 MPO को घर में रखा गया है, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आप आए, आपको क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए मैं आपको एक बात तो ये बता दूं, जो भी यहाँ का हेल्थ का प्रोटोकॉल होगा उसको मैं फॉलो करूँगा। 14 डेज होम क्वारंटाइन, 14 डेज अगर सबके लिए जरूरी होगा वो मेरे लिए भी होना चाहिए, मैं करूँगा। कुछ दिन सिलीगुड़ी रहूँगा, कुछ दिन दार्जिलिंग अपने घर पर रहूँगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ऐसे कठिन समय में जब जनप्रतिनिधि अपने लोगों से नहीं मिल पाता है, मुझे लगता है टीएमसी सरकार उन प्रतिनिधि के साथ जो है क्राइम कर रही है। और मैं पर्टिकुलरली दार्जिलिंग की बात करूं, हिल्स की बात करूं, दार्जिलिंग कॉरपोरेशन, ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि यानी जनता से चुने हुए लोग नहीं, जिसको ममता दीदी बिठाती है उसके द्वारा जो है यहाँ शासन चलाया जाता है। मुझे लगता है ये लोगों के साथ अन्याय है। थैंक यू सर। जब आप दिल्ली में थे और सिलीगुड़ी में आपका जगह जगह पे पोस्टर लगा हुआ था जहाँ वो लिखा गया था कि आप मिसिंग हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये नौटंकी है टीएमसी की, और उनको ये बात तो स्पष्ट है कि उनको भाजपा से भय है। और मैं तो उनसे प्रश्न पूछता हूँ, मैं तो दिल्ली में रह के अपनी सेवा दे रहा था, यहीं पे हमारे 3 सांसद हैं और बिल्कुल बगल में हमारे जलपाईगुड़ी के सांसद और अलीपुर द्वार के जोन बाला जी, वो तो अपने घर पे ही थे, फिर आपने उनको निकलने क्यों नहीं दिया? तो ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। सो ये इनको सिर्फ पॉलिटिक्स आता है। देखिए जितनी खामियाँ हैं वो सब उजागर हो चुकी है और इनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना आता है। मैं अगर ये ईमानदारी से जनता की सेवा करते तो आज देखिए, आज हमारे लिए बड़ा दुख का विषय ये है कि पूरे नॉर्थ बंगाल के अंदर में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है जहां हम कोरोना पेशेंट की इलाज कर सके। ऐसी अवस्था क्यों है? क्या हम आज तक जो है कोविड का ही इंतजार कर रहे थे? साधारण तौर पर भी ये जनता बीमार होती है, उसके लिए आज तक हमने कुछ किया ही नहीं। तो ये बात स्पष्ट होती है कि इनको सिर्फ जो है पॉलिटिक्स में रहते हुए पैसा कमाना है, इसके अलावा इनका और कोई भी उद्देश्य नहीं है। सर आपका आगे का प्लान क्या है? देखिए मैं वही बोला कि अभी जैसा भी हेल्थ का प्रोटोकॉल होगा वो मेरे पे भी लागू होगा और मैं अपने डीएम से भी बात करूंगा, दार्जिलिंग के डीएम से, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ दिन होम क्वारंटाइन सिलीगुड़ी में रहूँ, कुछ दिन जो है दार्जिलिंग।